दोस्तों अगर बात की जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री की थ्रिलर और सस्पेंस फिल्मों की तो उसमें रेस फ्रेंचाइजी का नाम तो आता ही है। साल 2008 में रिलीज हुई ये मल्टी स्टारर फिल्म बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसके अब तक 3 पार्ट्स रिलीज किए जा चुके हैं और तीनों ही पार्ट को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया है, जिसका तीसरा पार्ट हमें साल 2018 में देखने को मिला था, जिसके बाद से ही इस फिल्म के 4th पार्ट के लिए दर्शकों के बीच बेहद ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इसलिए अब फिल्म मेकर आप सभी की एक्साइटमेंट को दूर करने जा रहे हैं और इस फिल्म के 4th पार्ट को बनाकर जी हां हमें जल्द रेस 4 मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और ये फिल्म कब तक आएगी। तो चलिए देर न करते हुए इन सवालों के जवाब को जानते हैं, लेकिन इससे पहले रेस फ्रेंचाइजी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना न भूले। निर्देशक अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनाई गई रेस साल 2008 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी थी, जिसमें सैफ अली खान, कैटरीना कैफ और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को इतना ज्यादा सफल बनाया था कि जिसके बाद साल 2013 में इन्हीं पुराने और कुछ चेहरों के साथ रेस 2 देखने को मिली थी, जिसने अपने पहले पार्ट की तरह पर्दे पर धमाल मचा दिया, जिसके चलते साल 2018 में रेस 3 ने पर्दे पर दस्तक दी, जिसमें इस बार सैफ अली खान की जगह सलमान खान ले चुके थे। वहीं फिल्म में निर्देशक अब्बास मस्तान की जगह भी निर्देशन का काम इस बार रेमो डिसूजा को सौंपा गया था, जिसके चलते फिल्म की कमाई तो काफी ज्यादा रही, लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया और यही वजह है कि फिल्म के प्रोड्यूसर इस बार कई चेंजेस के साथ जल्द ही रेस 4 के साथ पर्दे पर आने वाले हैं, जो इस बार भी टिप्स बैनर के तले बनने जा रही है। और इस बार फिल्म के निर्देशक होंगे रोहित शेट्टी, जो एक्शन फिल्म बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। वही खबरों की माने तो फिल्म के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया जा चुका है, जहां फिल्म को एक स्टाइलिश रिवेंज ड्रामा माना जा रहा है। इसलिए इसमें एक दर्शक को हर एक वो एलिमेंट मिलेगा जिसकी वो पूरी तलाश करते हैं। फिल्म में हाई ऑक्टेन फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि फिल्म के यूएसपी माने जा रहे हैं। वहीं फिल्म में एक्शन सीन्स के साथ साथ रोमांस का भी डबल डोज देखने को मिलेंगे, जिसके चलते फिल्म में कई एंटरटेनिंग सीन्स भी आपको अपनी जगह बनाए रखेंगे। अब बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो आपको बता दें क्योंकि इसके 3rd पार्ट को दर्शकों ने सैफ अली खान के ना होने की वजह से काफी ज्यादा नापसंद किया था, इसी के चलते इस बार फिल्म में सैफ अली खान का नाम सामने आ रहा है। वहीं सैफ अली खान के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगे सलमान खान और अनिल कपूर। इन तीनों अभिनेताओं के अलावा इस बार फिल्म में एक नए स्टार की भी एंट्री देखने को मिलेगी और वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता सुनील शेट्टी है। जी हां, इस बार अभिनेता सुनील शेट्टी भी नजर आने वाले हैं, पर फिल्म में इन सभी के रोल क्या होंगे इसे लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं अभी बाकी स्टार कास्ट के नाम भी रिवील नहीं किए गए हैं, साथ ही इनमें से कुछ सितारों ने फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी नहीं भरी है, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग प्रोसेस में देरी होने के कारण बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्टार कास्ट के साथ रेस 4 फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।